यदि हमको अब स्कैनर इंस्टॉल करना है, स्कैनर का हम यूज जब करते हैं, जब जैसे कि कोई चीज, कोई भी प्रिंट वगैरह जो हमारे पास हार्ड कॉपी में, मतलब पेपर में, उसको अपने कंप्यूटर में इमेज में सेव कराना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ या कोई भी पेज हुआ या कोई भी हमारे जरूरत के डॉक्यूमेंट हैं, उसको हम स्कैन करा के अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहते हैं हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में, तो इसके लिए हमको उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हमारे पास स्कैनर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कैनर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं। स्कैनर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास स्कैनर है, और जो स्कैनर के अंदर जो भी कंपनी का स्कैनर है उसका हमारे पास जो सेटअप है, तो इसमें हम सबसे पहले सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक किया, और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई हैव पे टिक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो इस प्रकार से यह इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट द यूएसबी केबल लिखा आता है, तो उस समय हम प्रिंटर को जो है वो ऑन करके यूएसबी केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा प्रिंटर जो है वो इस समय ऑन है, और ऑन होने के बाद ये हम यूएसबी केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, और कंप्यूटर से कनेक्ट करते इस प्रकार की प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे लिखा जाता है यूएसबी कनेक्शन सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, और यह हमारे कंप्यूटर में स्कैनर जो है वह इंस्टॉल हो जाता है। अब हम स्कैनर के द्वारा कैसे हम स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट, इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, और इसको हम स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को हम अपने स्कैनर में लगाएंगे। तो ये हमने पेज जो है वो स्कैनर में लगाया, तो ये पूरा पेज सेट हो जाए इस हिसाब से हम सेट करके लगाते हैं। और इसके बाद ये हम यहाँ से डेस्कटॉप से जो हमारा प्रिंटर का सेटअप हमने इंस्टॉल किया था, उसका इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पर ये सीरी स्कैन नाम से एक आइकन आ जाता है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन किया, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें फ़ोटो टू फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो सेटिंग्स है वो रहने देंगे, और फाइल टाइप में यहाँ पे जेपीजी रहना चाहिए, ये जेपीजी फॉर्मेट में सेव कराता है सॉफ्ट कॉपी को। इसके बाद हमने स्कैन पे क्लिक किया, जिस प्रकार से पूरा स्कैन होने के बाद ये हम सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हम इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप लोकेशन देके सेव पे क्लिक कर दिया, और ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव होके डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो अभी जैसे ये डॉक्यूमेंट जो थोड़ा वो साइज उल्टा आया है, तो इसको हम यहाँ से रोटेट करके सेट कर सकते हैं, और अब जिस डॉक्यूमेंट जो है वह सीधा हो जाता है, और इस प्रकार से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं।